ओम शांति। 13 अप्रैल, साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण अभी ईश्वर के गोद में आए हो। तुम्हें मनुष्य से देवता बनना है तो देवी गुण भी चाहिए। प्रश्न, ब्राह्मण बच्चों को किस बात में अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है और क्यों? उत्तर, सारे दिन की दिनचर्या में कोई भी पाप कर्म न हो, इससे संभाल करनी है, क्योंकि तुम्हारे सामने बाप धर्मराज के रूप में खड़ा है। चेक करो, किसी को दुख तो नहीं दिया? श्रीमत पर कितना परसेंट चलते हैं? रावण मत पर तो नहीं चलते, क्योंकि बाप का बनने के बाद कोई विकर्म होता है तो एक का 100 गुना हो जाता है। ओम शांति। भगवान उवाच, यह तो बच्चों को समझाया गया है, किसी मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जा सकता। यहाँ जब बैठते हैं तो बुद्धि में यह रहता है कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह भी याद सदा किसको रहती नहीं है? अपने को सचमुच ब्राह्मण समझते हैं? ऐसा भी नहीं है। ब्राह्मण बच्चों को फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। हम शिव बाबा द्वारा पुरुषोत्तम बन रहे हैं। यह याद भी सबको नहीं रहती, घड़ी घड़ी यह भूल जाते हैं कि हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह बुद्धि में याद रहे तो भी ओहो सौभाग्य, हमेशा नंबरवार तो होते ही है। सब अपनी अपनी बुद्धि अनुसार पुरुषार्थी हैं। अबे तुम संगम योगी हो, पुरुषोत्तम बनने वाले हो। जानते हो, हम पुरुषोत्तम तब बनेंगे जब अब्बा को यानी मोस्ट बिलोवेड पाप को याद करेंगे। याद से ही पाप नाश होंगे। अगर कोई पाप करता है तो उसका 100 गुना हिसाब चढ़ जाता है। आगे जो पाप करते थे तो उसका 10% चढ़ता था, अभी तो 100% चढ़ता है, क्योंकि ईश्वर की गोद में आकर फिर पाप करते हैं ना। तुम बच्चे जानते हो, बाप हमको पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम सो देवता बनाने। यह याद जिनको स्थाई रहती है वह अलौकिक सर्विस भी बहुत करते रहेंगे। सदैव हर्षित मुख बनने के लिए औरों को भी रास्ता बताना है। भल कहां भी जाते हो, बुद्धि में यह याद रहे कि हम संगम युग पर है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। वह पुरुषोत्तम मास या वर्ष कहते हैं। तुम कहते हो हम पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण हैं। यह अच्छी रीति बुद्धि में धारण करना है। अभी हम पुरुषोत्तम बनने की यात्रा पर है। यह याद रहे तो भी मन मना भव ही हो गया। तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो, पुरुषार्थ अनुसार और कर्म अनुसार। देवी गुण भी चाहिए और श्रीमत पर चलना पड़े। अपनी मत पर तो सब मनुष्य चलते हैं, वह है ही रावण मत। ऐसे भी नहीं तुम सब कोई श्रीमत पर चलते हो, बहुत है
जो रावण मत पर भी चलते हैं। श्री मत पर कोई कितना परसेंट चलते, कोई कितना, कोई तो 2% भी चलते होंगे। भल यहां बैठे हैं तो भी शिव बाबा के याद में नहीं रहते, कहां न कहां बुद्धि योग भटकता होगा। रोज अपने को देखना है, आज कोई पाप का काम तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अपने ऊपर बहुत संभाल करनी होती है, क्योंकि धर्मराज भी खड़ा है ना। अभी का समय है ही हिसाब किताब चुकतु करने लिए, सजाएं भी खानी पड़े। बच्चे जानते हैं हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं। कहां भी कोई मंदिर में अथवा गुरु के पास वा कोई इष्ट देवता के पास जाते हैं तो कहते हैं, हम तो जन्म जन्म के पापी हैं, मेरी रक्षा करो, रहम करो। सतयुग में कभी ऐसे अक्षर नहीं निकलते। कोई सच बोलते हैं, कोई तो झूठ बोलते हैं। यहां भी ऐसे हैं। बाबा हमेशा कहते हैं, अपनी जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते, कोई छिपाते भी हैं, लज्जाती है। यह तो जानते हैं, बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। वह तो है अल्पकाल की बात, यह तो बहुत काल की बात है। बुरा कर्म करेंगे तो सजाए भी खाएंगे, फिर स्वर्ग में भी बहुत पिछाड़ी में आएंगे। अभी सारा मालूम पड़ता है कि कौन कौन पुरुषोत्तम बनते हैं। वह है पुरुषोत्तम देवी राज्य, उत्तम ते उत्तम पुरुष बनते हो ना। और कोई जगह ऐसे किसी की महिमा नहीं करेंगे। मनुष्य तो देवताओं के गुणों को भी नहीं जानते। भल महिमा गाते हैं परंतु तोते मिसल। इसलिए बाबा भी कहते हैं, भक्तों को समझाओ। भक्त जब अपने को नीच पापी कहते हैं तो उनसे पूछो कि क्या तुम जब शांति धाम में थे तो वहां पाप करते थे? वहां तो आत्मा सभी पवित्र रहती है, यहां अपवित्र बनी है, क्योंकि तमो प्रधान दुनिया है। नई दुनिया में तो पवित्र रहती है, अपवित्र बनाने वाला है रावण। इस समय भारत खास और आम सारी दुनिया पर रावण का राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, हाईएस्ट लोएस्ट यहां सब पतित है। बाबा कहते हैं, मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूं, फिर तुमको पतित कौन बनाते हैं? रावण। अब फिर तुम हमारी मत से पावन बन रहे हो, फिर आधा कल्प बाद रावण की मत पर पतित बनेंगे, अर्थात दे अभिमान में आकर विकारों के वश हो जाते हैं। उनको आसुरी मत कहा जाता है। भारत पावन था सो अब पतित बना है, फिर पावन बनना है। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप को आना पड़ता है। इस समय देखो कितने ढेर मनुष्य हैं, कल कितने होंगे। लड़ाई लगेगी, मौत तो सामने खड़ा है, कल इतने सब कहां जाएंगे? सबके शरीर और यह पुरानी दुनिया विनाश होती है। यह राज अभी तुम्हारे बुद्धि में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम किसके सन्मुख बैठे हैं?
वह भी कई समझते नहीं, कम से कम पद पाने वाले हैं, ड्रामा अनुसार कर ही क्या सकते हैं, तकदीर में नहीं है। अभी तो बच्चों को सर्विस करनी है, बाप को याद करना है। तुम संगम योगी ब्राह्मण हो, तुम्हें बाप समान ज्ञान का सागर, सुख का सागर बनना है। बनाने वाला बाप मिला है ना? देवताओं की महिमा गाई जाती है, सर्व गुण संपन्न। अभी तो इन गुणों वाला कोई है नहीं। अपने से सदैव पूछते रहो, हम उच्च पद पाने के लायक कहाँ तक बने हैं? संगम युग को अच्छी रीति याद करो। हम संगम युगी ब्राह्मण पुरुषोत्तम बनने वाले हैं। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम है ना, नई दुनिया का। बच्चे जानते हैं हम बाबा के सन्मुख बैठे हैं, तो और ही जास्ती पढ़ना चाहिए। पढ़ाना भी है, पढ़ाते नहीं तो सिद्ध होता है, पढ़ते नहीं बुद्धि में बैठता नहीं है, 5% भी नहीं बैठता। यह भी याद नहीं रहता कि हम संगम योगी ब्राह्मण हैं। बुद्धि में बाप की याद रहे और चक्र फिरता रहे। समझानी तो बहुत सहज है, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। वह है सबसे बड़ा बाप। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। हम सो पूज्य, हम सो पुजारी, यह मंत्र है बहुत अच्छा। उन्होंने फिर आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। जो कुछ बोलते हैं बिल्कुल रॉन्ग। हम पवित्र थे, 84 जन्म चक्र लगाकर अब ऐसे बने हैं। अब हम जाते हैं वापस, आज यहाँ कल घर जाएंगे। हम बेहद बाप के घर में जाते हैं। यह बेहद का नाटक है जो अभी रिपीट होना है। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्म भूल अपने को आत्मा समझो। अभी हम इस शरीर को छोड़ घर जाते हैं। यह पक्का याद कर लो, हम आत्मा है। यह भी याद रहे तो अपना घर भी याद रहे, तो बुद्धि से सारी दुनिया का सन्यास हो गया। शरीर का भी सन्यास तो सबका सन्यास। वह हठ योगी कोई सारी सृष्टि का सन्यास थोड़े ही करते हैं, उनका है अधूरा। तुमको तो सारी दुनिया का त्याग करना है। अपने को देह समझते हैं तो फिर काम भी ऐसे ही करते हैं। देह अभिमानी बनने से चोरी चकारी, झूठ बोलना, पाप करना, यह सब आदतें पड़ जाती हैं। आवाज से बोलने की भी आदत पड़ जाती है। फिर कहते हमारा आवाज ही ऐसा है। दिन में 25-30 पाप भी कर लेते हैं। झूठ बोलना भी पाप हुआ ना, आदत पड़ जाती है। बाबा कहते हैं आवाज कम करना सीखो ना। आवाज कम करने में कोई देरी नहीं लगती है। कुत्ते को भी पालते हैं तो अच्छा हो जाता है। बंदर कितने तेज होते हैं, फिर कोई के साथ हिर जाते हैं तो डांस शादी भी बैठ करते हैं। जानवर भी सुधर जाते हैं। जानवरों को सुधारने वाले हैं मनुष्य, मनुष्यों को सुधारने वाला है बाप। बाप कहते हैं तुम भी जानवर मिसल हो, तो मुझे भी कच्छ अवतार वारा अवतार कह देते हो। जैसे तुम्हारी एक्टिविटी है उनसे भी बदतर मुझे कर दिया है।
यह भी तुम जानते हो, दुनिया नहीं जानती, पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होगा। कैसे कैसे सजाए खाते हैं वह भी तुमको मालूम पड़ेगा। आधा कल्प भक्ति की है, अब बाप मिला है। बाप कहते हैं मेरे मत पर नहीं चलेंगे तो सजा और ही बढ़ती जाएगी, इसलिए अब पाप आदि करना छोड़ो, अपना चार्ट रखो, फिर साथ में धारणा भी चाहिए, किसको समझाने की प्रैक्टिस भी चाहिए, प्रदर्शनी के चित्रों पर ख्यालात चलाओ, किसको हम कैसे समझाए, पहले पहली बात यह उठाओ, गीता का भगवान कौन, ज्ञान का सागर तो पतित पावन परमपिता परमात्मा है ना, यह बाप है सभी आत्माओं का बाप, तो बाप का परिचय चाहिए ना। ऋषि मुनि आदि कोई को भी न बाप का परिचय है, न रचना के आदि मध्य अंत का, इसलिए पहले पहले तो यह समझा कर लिखवाओ कि भगवान एक है, दूसरा कोई हो नहीं सकता। मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम बच्चों को अब निश्चय है भगवान निराकार है, बाप हमको पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंट्स हैं, वह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है। एक को याद करेंगे तो टीचर और गुरु दोनों की याद आएगी। बुद्धि भटकनी नहीं चाहिए, सिर्फ शिव भी नहीं कहना है, शिव हमारा बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, हमको साथ ले जाएंगे। उस एक की कितनी महिमा है, उनको ही याद करना है। कोई कोई कहते हैं इसने तो बीके को जाए गुरु बनाया है, तुम गुरु तो बनते हो ना, फिर तुमको बाप नहीं कहेंगे, टीचर गुरु कहेंगे, बाप नहीं, तीनों ही फिर उस एक बाप को ही कहेंगे। वह सबसे बड़ा बाप है, इनके ऊपर भी वह बाप है। यह अच्छी रीति समझना है, प्रदर्शनी में समझाने का अक्कल चाहिए, परंतु अपने में इतनी हिम्मत नहीं समझते। बड़ी बड़ी प्रदर्शनी होती है तो जो अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उनको जाकर सर्विस करनी चाहिए। बाबा मना थोड़े करते हैं, आगे चल साधु संत आदि को भी तुम ज्ञान बाण मारते रहेंगे, जाएंगे कहाँ, एक ही हट्टी है, सदगति सबकी इस हट्टी से होनी है। यह हट्टी ऐसी है तुम सबको पवित्र होने का रास्ता बताते हो, फिर बने ना बने तुम बच्चों का ध्यान विशेष सर्विस पर होना चाहिए। भल बच्चे समझदार हैं, परंतु सर्विस पूरी नहीं करते तो बाबा समझते हैं राहु की दशा बैठी है। दशाएं तो सब पर फिरती है ना, माया का परछाया पड़ता है, फिर दो रोज बाद ठीक हो जाते हैं। बच्चों को सर्विस का अनुभव पाकर आना चाहिए, प्रदर्शनी तो करते रहते हैं, क्यों नहीं मनुष्य समझकर झट लिखते हैं कि बरोबर गीता कृष्ण की नहीं शिव भगवान की गाई हुई है। कोई तो सिर्फ कह देते हैं यह बहुत अच्छा है, मनुष्यों के लिए बहुत कल्याणकारी है, सबको दिखाना चाहिए, परंतु मैं भी यह वर्षा लूंगा, ऐसे कोई कहते नहीं है। अच्छा
मीठे मीठे सिकिलद्धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों के रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दे अभिमान में आकर आवाज से बात नहीं करनी है, इस आदत को मिटाना है। चोरी करना, झूठ बोलना, यह सब पाप है। इनसे बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहना है। दूसरी पॉइंट, मौत सामने है, इसलिए बाप की श्रीमत पर चलकर पावन बनना है। बाप का बनने के बाद कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। सजाओ से बचने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, याद के बल से अपने व दूसरे के श्रेष्ठ पुरुषार्थ की गतिविधि को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भाव। विस्तार है, जैसे साइंस वाले पृथ्वी से स्पेस में जाने वालों की हर गतिविधि को जान सकते हैं, ऐसे आप त्रिकालदर्शी बच्चे साइलेंस अर्थात याद के बल से अपने व दूसरों के श्रेष्ठ पुरुषार्थ व स्थिति की गतिविधि को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि बनने से, याद के शुद्ध संकल्प में स्थित होने से त्रिकालदर्शी भव का वरदान प्राप्त हो जाता है और नए नए प्लान प्रैक्टिकल में लाने के लिए स्वतः इमर्ज होते हैं। स्लोगन, सर्व के सहयोगी बनो तो स्नेह स्वतः प्राप्त होता रहेगा। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोज ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.